अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम वैश्यत और मैं हूं आपका मेज़बान। नाजरीन, आज के इस प्रोग्राम में हम पहुंचे हैं नाजमाबाद नंबर 4 में, जहां एक घर जिसको भूत बंगला कहा जाता है। और इस घर के अंदर कहा यह भी जाता है कि ये घर बहुत अरसे से वीरान है। नाजरीन, इस वीरानियत को देखिए और अंदाज़ा लगाइए कि यहाँ किस किस्म की पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ होती होंगी। दहशतनाक की टीम आज एक ऐसी जगह पर पहुँची है जो मशहूर ज़माना है। साथ ही साथ दहशतनाक इस जगह पर ये भी इन्वेस्टिगेट करेगी कि आया यहाँ वो सारा वाकया होता है। मगरिब के टाइम, मगरिब के बाद कभी अंधेरा हो जाता है, या दोपहर में कोई एहसास वगैरह उसको मालूम नहीं। दोपहर में तो कभी कुछ भी नहीं देगा, मतलब शाम वाम के टाइम ही इससे मतलब साया नुमा टाइप का कुछ। यहाँ पे बड़ा सीन हुआ है इसका मालूम नहीं है। लोग बोलते हैं कि कत्ल वगैरह हुए हैं। हाँ, ये सुना है। तो ये वैसे ये घर किसका था, वैसे कुछ है आइडिया? आइडिया नहीं, काफ़ी टाइम से देख रहे हैं मैं तो। अच्छा, 15 साल हो गए था काम करते हुए, ऐसे ही देख रहा हूँ मैं तो। अच्छा, लोग कहते हैं कि दोपहर में जाना कोई मसला नहीं, दोपहर में चले जाओ। आप तो, मैंने तो सुना यहाँ वो क्या है कि टीम भी आई हुई थी, वो भी गई थी अंदर। हाँ, बहुत सारे लोग आकर होकर जा चुके हैं। भाई, इतना आइडिया नहीं है, मतलब जो देखा मैंने वो आपको मैंने बताया। अच्छा, क्योंकि हमें भी लोगों ने यही बताया कि जो है शाम यानी असर होते ही बस आप जाने वाली करें। हाँ, सर के बाद अभी जैसे धूप है तो कोई मसला नहीं है, चलो थोड़ा रोशनी रोशनी। हाँ, अभी शाम में तो हमने घूमने भी अल्लाह माफ करे देखा है, ऐसी बात नहीं है। अच्छा, हाँ। क्या देखा है, मतलब साया नुमा टाइप का, जैसे जाते में रोशनी मतलब रोशनी जल रही है, बन बुझ हो रही है पूरी। वहशतनाक की टीम आज लोगों से दरियाफ्त करेगी कि यहाँ इस किस्म के वाकये होते भी हैं या नहीं। अच्छा, तो इधर वैसे इधर मतलब क्या टाइमिंग होती है जो लोग यहाँ नहीं आते? मगरिब के बाद की, मगरिब के वक्त, मगरिब के वक्त की। उससे पहले यहाँ से गुजरना भी बहुत मुश्किल है मगरिब के वक्त। अच्छा, लोग कहते हैं कि यार यहाँ से बड़े लोग जो हैं वो जाते हैं भी अंदर, जैसे दोपहर पहर में चले जाते हैं, देख के आ भी जाते हैं, कोई मसला नहीं होता, ऐसा है? दोपहर में जा सकते हैं पर मगरिब के बाद नहीं। प्रोग्राम दहशत के साथ हाजिर है। दफ़ा जो हम जिस लोकेशन पर गए और जहाँ पे हमने रेकी वगैरह करी, वो जगह का नाम नाजाबाद 4 नंबर और वो घर भूत बंगले के नाम से मशहूर है। आसपास के आप बहुत दूर दूर तक लोग उस घर के बारे में जानते हैं, वहाँ के मामला के बारे में जानते हैं, वहाँ के जो रहने वाले हैं या गुजरने वाले हैं, जो रहायशी हैं, वो जो बहुत सारे लोग हैं वो सब उसके बारे में जानते हैं।
जब आज हम वहाँ पे गए दिल्ली के टाइम और जब हमने वहाँ जाके रेकी करी तो बहुत सारे लोगों से हमने पहले इस बारे में राय ली कि आया हमें वहाँ जाना चाहिए या नहीं, या इस बारे में वहाँ पर क्या हालात है। तो लोगों ने हमें बहुत सारे बातें इस तरह की बताई कि आप वहाँ ना जाएं, वहाँ पर ये मामला थे, वहाँ पर ये होता है, वहाँ पर ये होता है। तो इसके बावजूद जब हम वहाँ पर पहुँचे और जब हम अंदर दाखिल हुए उस घर के अंदर और हमने वहाँ की पढ़ाई शुरू करी, तो जो हमने महसूस किया वाकई वहाँ पे ऐसा सब कुछ होता है और ऐसा है। हमें दिन के टाइम वहाँ पे दहशत महसूस हो रही थी। इन सब लोगों की ये बातें सुनने के बाद वहशतनाक की टीम ने फैसला किया कि अब वो इस घर में दाखिल होने के लिए तैयार है, जबकि उस वक्त असर की अजान होने वाली ही थी। नाजरीन, घर का मुआयना करने के दौरान में वहशतनाक की टीम को ऐसा महसूस हुआ कि जैसे उनकी सांस में प्रॉब्लम हो रही है, उनको सांस लेने में तकलीफ़ हो रही थी। वहाँ इतना घुटन था कि वहशतनाक की टीम अब वहाँ ज़्यादा देर रुक नहीं सकती थी। हसन वहशतनाक टीम से, अभी जो हमने आपको लोकेशन दिखाई है मैं बस उसी जगह ठहरा हुआ हूँ और यहाँ के मुकामी साथी से काफ़ी बारे में सुनने में आया है कि यहाँ जाना मना है और फलाना चीज़ें, लेकिन साथी ये भी कहते हैं कि असर तक यहाँ हम ठहर सकते हैं, असर तक यहाँ पे जो भी टीमें आती हैं वगैरह हम देख सकते हैं कि यहाँ पे एक्चुअली है क्या। लेकिन मगरिब के बाद कहते हैं कि यहाँ से गुजरना भी उनके लिए बहुत दुश्वार हो जाता है। इसी तरह काफ़ी कबूतर के पर वगैरह, और ये इमारत कंस्ट्रक्शन में थी, देख सकते हैं आप एक कंस्ट्रक्शन में थी इमारत, तो यहाँ पे जो मज़दूर थे उनके साथ भी कोई हादसा हुआ था इसी तरह का कि वो अब इनकी कंस्ट्रक्शन रुक गई है। इस घर की कहानी ये थी कि एक साहब थे यहाँ पे रहायशी थे, तो इस घर के सामने जो स्कूल है जो कि अब स्कूल नहीं रहा, वो गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी हो गई है, तो वो स्कूल दरअसल उन्होंने बेटी के नाम पर खोला था। चूँकि उनकी बेटी फिर उनकी बेटी का इंतकाल हो गया था, तो इसी वजह से वो स्कूल भी बंद हो गया, वो गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी हो गई। तो हम मुकामी साथी जो हैं उनका कहना था कि प्रॉपर्टी जो है ये 30 साल से बंद है और असर तक तो उनको वैसा कोई ऐसी चीज़ महसूस नहीं होती, लेकिन मगरब यूँ ही मगरब होती है और रोशनी लगती है, तो काफ़ी लोगों ने बताया कि यहाँ पर लाइट खुल बंद हो रही होती है। आवाज़ों का तो किसी का जिक्र नहीं किया कि आवाज़ कोई नहीं आती, लाइट खुल बंद और साया भी महसूस हुआ है, यहाँ पर साया भी महसूस हुआ। एक दो लोगों ने थोड़ा बहुत छेड़ा छाड़ की थी घर पे, पत्थर वगैरह मारे थे, तो उनके साथ भी काफ़ी वाक़ात हुए हैं जो उन्होंने घर भी शिफ्ट कर लिया था। पहले कितने लोग आए हैं? वो तो चले गए छोड़ के, वहाँ खुदाई वगैरह भी हो रही थी ना, जैसे कोई लाइन वगैरह पानी, अच्छा पानी की लाइन वगैरह या कोई ऐसे पाइप वगैरह डल रहे थे, तो वो भी छोड़ के बाहर। अच्छा, हालांकि उसके बिल्कुल सामने ही एक स्कूल में बैठते हैं साहब, तो कह लेंगे यार मैं तो यहाँ 9 बजे आता हूँ, 9:30 बजे आता हूँ, कोई टेंशन नहीं मुझे। मैं भी इधर कितने साल से हैं? मुझे कम से कम इधर हो गए 13-14 साल। 13-14 रिपेयरिंग का कोई काम वाम जैसे अंदर होता है तो वो भी भाग गए। अच्छा,
नाज़रीन, जैसा कि आप देख सकते हैं कि लोगों के कहने पर हम अंदर भी गए और वहाँ कुछ ऐसी चीज़ें महसूस हुईं जिसको देखकर हम लोगों को ख़ुद भी बहुत महसूस हुआ कि यहाँ पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ मौजूद हैं। नाज़रीन, हमारा सबसे अहम मरहला ये होता है कि हम अपने देखने वालों को ये बता सकें कि इन जगहों पर जो मामलात हैं आया कि वो सच है या झूठ। चलो आ जाओ। लेकिन हमारी रिसर्च के मुताबिक लगता ऐसा है कि लोगों को महज डराया जाता है, ना कि वहाँ कोई ऐसी चीज़ मौजूद है। लेकिन ऐसा भी महसूस हुआ कि जैसे वहाँ बहुत कुछ है और वहाँ बहुत कुछ देखा गया है। नाज़रीन, डर, खौफ और दूसरे एहसासात की वजह से वहशतनाक की टीम वहाँ रुक नहीं सकी, जिसकी वजह से हम आपको रात के मनाज़िर नहीं दिखा सकेंगे। लेकिन इतना ज़रूर कहेंगे कि वो जगह वहशत से कम नहीं, और साथ ही साथ उसके बराबर में एक स्कूल था, जहाँ ये भी कहा जाता है कि ये स्कूल उस मालिक ने बनाया जिसका ये घर था। नाज़रीन, इस घर को देखिए और अंदाज़ा लगाइए कि इसके सामने बना स्कूल भी वैसे ही वहशतनाक है जैसे कि यह घर। हम अपने नाज़रीन को ये भी बताते चलें कि ऐसी जगहों पर जाने से गुरेज करें जहां अपनी जान का ख़तरा लाहक हो। आइंदा आने वाले एपिसोड के लिए देखते रहिए वहशतनाक।